सनातन धर्म, जहां नारी को किसी मजहब और रिलीजन से कहीं ज्यादा सम्माननीय स्थान प्राप्त है। यहां नारी कोई उपभोग की वस्तु या खेती का साधन नहीं है, बल्कि यहां नारी सृजन की देवी और शक्ति का स्वरूप है, जिसके उदाहरण यदि हम गिनने बैठ जाएंगे तो बरसों लग जाएंगे। सनातन में स्त्री किसी भी स्थान तक पहुंचने में सक्षम है। आज हम सनातन इतिहास के एक ऐसे ही मंदिर की बात करेंगे, जहां तंत्र विद्या का गढ़ एक देवी को माना जाता है। दुनिया भर के साधक अपनी साधना इसी मंदिर में आकर पूरी करते हैं। यहां देवी का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है जो भारत तो क्या पूरे विश्व में कहीं और नहीं मिलेगा। क्यों है ये मंदिर इतना खास? कैसी है यहाँ की परंपरा जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती है? क्यों दिया जाता है ऐसा प्रसाद जिसे आप खा नहीं सकते? खून से रंगे कपड़े का रहस्य क्या है? क्या खून से लाल हो जाती है नदी? और यहाँ आकर लोगों की कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? क्यों साधक यहाँ पर साधना करने आते हैं? उससे पहले सनातन नारी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो लोग सनातन धर्म में नारी से भेदभाव की बात करते हैं, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। जिन नारियों ने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मुकाम हासिल किए हैं, जो आज भी विश्व का मार्गदर्शन करती हैं। जहां नारी योद्धाओं की बात करें तो आधुनिक युग में रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई, झलकारी बाई और स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी, जिन्होंने अपने राज्य अपने देश की बागडोर न सिर्फ संभाली अपितु अपने दुश्मन के दांत भी खट्टे किए। यदि अध्यात्म के क्षेत्र में महिलाओं को देखा जाए तो राजा जनक के दरबार में ब्रह्मवादिनी गार्गी, मैत्री, मीराबाई, राजकुमारी हेमलेखा, रानी चुड़ाला, शारदा देवी, भैरवी, महादेवी, अव्यार, अभय भारती, उभय भारती, भैरवी ब्राह्मणी, अक्का महादेवी, जिन्होंने अध्यात्म के शिखर पर पहुंचकर अनेक अध्यात्म प्रेमियों और वैराग्यों का मार्गदर्शन कर अध्यात्म के पथ पर एक अलग ही छाप छोड़ी है, जिसके लिए सनातन और समस्त सनातनी इनके सदैव ऋणी रहेंगे। यूं कहें कि इनके मार्गदर्शन पर चलकर विश्व शांति और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। यदि विज्ञान के क्षेत्र की बात की जाए, दर्शन रंगनाथन भारत की मशहूर रसायन वैज्ञानिक थी। आसिमा चटर्जी विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला डॉक्टर। डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली को भारत की दूसरी महिला फिजिशियन के तौर पर जाना जाता है। जानकी अम्माल को वनस्पति विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला के तौर पर जाना जाता है। रमन परिमाला, इन्होंने गणित के क्षेत्र में काम किया। इरावती कर्वे, इस देश की प्रमुख मानव वैज्ञानिकों में से एक इरावती कर्वे का नाम भी दर्ज है। विभा चौधरी, उन्होंने होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। उन्होंने देवेंद्र मोहन बोस के साथ मिलकर बोसोन कण की खोज की। सनातन धर्म में महिलाओं को कितना सम्मान दिया जाता है, ये कभी किसी से छुपा नहीं है। हाँ, हिंदू धर्म में लगभग सभी देवताओं के साथ देवियों की भी पूजा की जाती है। कई बार तो इन देवियों की शक्तियां ईश्वर से भी ज्यादा दिखाई गई हैं। इसलिए हिंदू धर्म में लोग भी दूर दूर देवियों के प्रसिद्ध मंदिरों में उनकी पूजा करने और उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। भारत में ऐसे कई प्रसिद्ध देवी के मंदिर मौजूद हैं, पर आज के इस वीडियो में आपको हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो अपने आप में काफी खास है, क्योंकि यहाँ पर माता की मूर्ति का नहीं बल्कि उनकी योनि की पूजा की जाती है। और इस मंदिर को अघोरियों का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में अघोरी माता की पूजा करने आते हैं, तंत्र साधना करने आते हैं। आज की इस वीडियो में हम कामाख्या मंदिर के इतिहास और उसके रहस्यों के बारे में जानेंगे, जो अपने आप में एक रहस्यमय मंदिर है। कामाख्या मंदिर भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जिसके साथ सदियों पुराना इतिहास जुड़ा है। कई लोग इसे हजारों साल पुराना बताते हैं, तो कई लोग इसे 400 से 500 साल पुराना ही बताते हैं। पर यदि पौराणिक कथाओं के सही आंकड़ों को देखा जाए तो यह मंदिर करीब 16वीं सदी में बना था, यानी आज इसे 400 साल से ऊपर का समय हो चुका है। लेकिन समय के साथ इसकी मान्यता और बढ़ती गई। यहां पर आने वाले भक्तों का मानना है कि माता यहां पर आने वाले भक्तों के सभी कष्टों को हर लेती है और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में मौजूद है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। इस मंदिर की खास बात यह भी है कि इस मंदिर में किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाता, या महिलाओं और पुरुष दोनों के ही मंदिर में जाने की आज्ञा है, और महिला किसी भी समय इस मंदिर में जा सकती है। मतलब जहां दूसरे मंदिरों में पीरियड यानी कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर में जाने से रोका जाता है,
इस मंदिर में इस तरह की रोक टोक नहीं है। यही नहीं बल्कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को एक खास तरह का प्रसाद भी दिया जाता है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित यह शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर को कामाख्या शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, जो माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कामाख्या शक्तिपीठ को चमत्कारी माना जाता है। इस मंदिर के आसपास हजारों की संख्या में अघोरी और तांत्रिक रहते हैं। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अंबे की कोई मूर्ति या चित्र किसी को दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक ऐसा कुंड बना है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड में हमेशा ही जल बहता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है, और यह माता की योनि की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे देवी सती और भगवान शिव की कथा का वो इतिहास है जो दक्ष प्रजापति के समय काल से जुड़ा है। पुराने ग्रंथों की लिखी कथाओं के अनुसार देवी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। सती का विवाह भगवान शिव से तो हो गया था, लेकिन सती के पिता इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। इसलिए जब उन्होंने अपने राज्य में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, तब वहां पर पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को बुलाया, पर इस यज्ञ में भगवान शिव और सती को कोई न्योता नहीं दिया गया। परंतु जब माता सती को इस बात का पता चला कि उनके पिता एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, उसमें भगवान शिव और उन्हें नहीं बुलाया गया है, तो माता सती को थोड़ा दुख हुआ। लेकिन उन्होंने यह भी सोचा कि उन्हें इसके पीछे का कारण अपने पिता से जाकर पूछना चाहिए। इसलिए माता सती ने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की जिद की। पहले तो भगवान शिव ने सती को मना किया, लेकिन माता सती के हट को देखते हुए उन्होंने माता सती को वहां जाने दिया। भगवान शिव स्वयं तो नहीं गए, पर वो माता सती को अपने पिता के यज्ञ में जाने से रोक नहीं सके। भगवान शिव का कहना था कि बिना निमंत्रण जाना अपने आप में एक अपमान होता है। इसलिए जब माता सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची और वहां पर मौजूद सभी देवी देवताओं को देखा, तो उन्हें काफी दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता से भगवान शिव और उनको आमंत्रित न करने का कारण पूछा, लेकिन माता सती के पिता ने यज्ञ में बैठे सभी देवी देवताओं के सामने माता सती और भगवान शिव को काफी बुरा भला कह दिया और भगवान शिव के लिए कई अपशब्दों का प्रयोग किया। अपने पति परमेश्वर यानी भगवान शिव का इस तरह से अपमान होता देख माता सती सह नहीं पाई और उन्होंने यज्ञ की ज्वाला में कूदकर आत्मदाह कर लिया। और जब इस अनहोनी के बारे में भगवान शिव को पता चला, तो यज्ञ स्थल पर पहुंचे और माता सती के शव को उठाकर ब्रह्मांड में गुस्से से तांडव करने लगे। पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन फैल गया, पृथ्वी हिलने लगी, और जब भगवान विष्णु ने भगवान शिव और ब्रह्मांड की हालत देखी, तो समझ गए कि भगवान शिव के क्रोध को शांत करने का एक ही तरीका है, और वो है भगवान शिव के मां सती के प्रति मोह भंग करना, जिसके लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 भाग कर दिए, और ये सभी टुकड़े पृथ्वी पर जाकर अलग अलग जगहों पर गिरे, जिन्हें आज हम 51 शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं, जिनमें से कुछ भारत में और कुछ पाकिस्तान में मौजूद हैं। और कामाख्या देवी मंदिर भी इन 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती की योनि जाकर गिरी थी, और इसलिए यहां पर माता की योनि की पूजा की जाती है। कामाख्या देवी मंदिर वैसे तो अनेक रहस्यों से भरा है, परंतु हर साल यहां अंबुवाची मेले का आयोजन होता है। यहां पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। वैज्ञानिक और न जाने कितने ही पुरातत्ववेत्ता और वैज्ञानिकों ने यहां पर शोध किया, परंतु उसके पीछे का कारण नहीं जान पाए। और सिर्फ यही नदी नहीं, बल्कि आसपास के झीलों का पानी भी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा, इसमें हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं। इन 3 दिनों तक मंदिर के कपाट यानी दरवाजे बंद रहते हैं। 3 दिन बाद दोबारा बड़ी धूमधाम से मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। इस घटना को भी कामाख्या देवी मंदिर से ही जोड़कर देखा जाता है। यहां पर मौजूद पंडितों और श्रद्धालुओं का मानना है कि इन 3 दिन के बीच माता की योनि को रजस्वला यानी पीरियड्स हो जाते हैं, जिसके कारण यहां बहने वाली सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र
और उसके कारण आसपास की झीलों और छोटी नदियों का पानी भी लाल हो जाता है। ऐसा इसके पीछे बस इसका कोई वैज्ञानिक कारण तो आज तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि अभी तक यहाँ पानी के लाल होने के जितने भी रिसर्च हुए उनमें कुछ भी सही तरीके से सामने नहीं आया। बस वैज्ञानिकों ने कुछ थ्योरीज दी हैं पर प्रमाणित कुछ नहीं कर पाए। पर माता के भक्त इसे देवी माँ की कृपा मानते हैं, इसलिए इन तीन दिनों के बीच यहाँ भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा देखी जाती है और यहाँ लाखों लोग माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। यह तीन दिन इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि इस दौरान भक्तों को एक खास तरह का प्रसाद दिया जाता है, जिसके बारे में हमने वीडियो के आरंभ में बात की थी। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का एक गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है जब माँ को तीन दिन के लिए रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। तीन दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वहां वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भीग जाता है। इस कपड़े को अंबुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति की लालसा होती है या संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा होता है वो लोग इस कपड़े को लेकर जाते हैं और माता उनकी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। यहां पर आने वाले भक्तों और अघोरियों का यह कहना है कि यह कपड़ा काफी ज्यादा पवित्र है, जिसे घर में रखने से सुख और समृद्धि आती है और माता भक्तों के हर दुख को दूर करती है। संतान प्राप्ति के लिए लोग ज्यादा संख्या में यहां पर जाते हैं। यहां पर इतनी संख्या में अघोरियों और तांत्रिकों का आने का कारण यह भी है कि इस मंदिर को काले जादू से भी जोड़कर देखा जाता है, जिसे हम तंत्र विज्ञान कहते हैं। अघोरी और तांत्रिकों का मानना है कि माता उनके काले जादू की शक्ति को बढ़ाती है और अगर कोई काले जादू से प्रभावित है तो इसका इलाज करने में भी माता की शक्ति काफी सहायक सिद्ध होती है। और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि हमारे भारत में देवियों के ऐसे ऐसे कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनके साथ कई तरह के रहस्य हैं, और ऐसा ही एक रहस्य है मंदिर उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा नदी के बीचों बीच मौजूद है। ऐसा ही एक चमत्कारी मंदिर राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। इसे इडाणा माता मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में हर साल अपने आप माता अग्नि स्नान करती है, जिसमें माता की मूर्ति को छोड़कर कुछ भी शेष नहीं बचता। इसे इडाणा माता के अग्नि स्नान के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर उदयपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। यदि आप चाहते हैं इस मंदिर के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई जाए तो हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा, हम उस स्थान पर जाकर वीडियो बनाएंगे। इस मंदिर में कभी भी माता के समीप से आग लग जाती है, ऐसा माना जाता है जब माता जी बहुत प्रसन्न होती है तो अग्नि स्नान करती हैं, या माता जी पर अधिक भार होता है तब भी वह अग्नि स्नान करती हैं। मंदिर के अंदर मौजूद हर चीज, चाहे वह माता की चुनरी ही क्यों ना हो या भक्तों द्वारा चढ़ा गया भोग प्रसाद हो, सब कुछ जलकर राख हो जाता है, केवल माता की मूर्ति बचती है। और ये भी कहा जाता है माता के अग्नि स्नान के बाद यहाँ की आग अपने आप बुझ जाती है। इस अग्नि स्नान को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लग जाती है। आज तक कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि आग कैसे लगती है। जो भी भक्त माता के अग्नि स्नान के दर्शन कर लेता है वह अपने आप को धन्य समझता है। इडाणा माता कोई मंदिर परिसर नहीं है, बरगद के पेड़ के नीचे खुले आसमान के नीचे माता विराजती हैं। जैसे ही माता रानी अग्नि स्नान करती हैं तो दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ जमा हो जाती है। यहाँ उत्सव जैसा माहौल हो जाता है, माता के जयकारों की गूंज पूरे माहौल में गूंज उठती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप किसी और मंदिर या ऐसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर उसका नाम बताएं, हम उसके बारे में वीडियो अवश्य बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।